गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों हम आज EBS में रिप्रोडक्शन का टॉपिक समझेंगे, जिसको मैंने अभी पार्ट वन वीडियो बनाया था उसमें भी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. एक्चुअली आपको अच्छे से पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, राइट इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल किसमें होता है, लिविंग थिंग्स में होता है ना. अब लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं, एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी तो अपनी ही जैसे पौधे को देते हैं ना, आम के पौधे से आम ही बनता है ना. अब रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, बाय गिविंग बर्थ या फिर बाय लेइंग एग्स. इज इट क्लियर, बाय गिविंग बर्थ या फिर बाय लेइंग एग्स, केवल दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन. अब गिविंग बर्थ कौन करते हैं, मैमल्स. मैमल्स में कौन आते हैं बेटा, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मैमल्स में आते हैं. ठीक है, जितने भी एनिमल्स जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, ये सब मैमल्स हैं. लेकिन मैमल्स में मैंने आपको बोला कि बाय गिविंग बर्थ द्वारा होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, प्लैटिपस. कौन सा, प्लैटिपस. ठीक है, प्लैटिपस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बर्थ की बजाय अंडे देता है. और अगर मैं बाय लेइंग एग्स, मैंने बताया दूसरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, ये सब किसके अंदर आते हैं, लेइंग एग्स. फ्रॉग भी एक एग्जाम्पल और है, फ्रॉग. ठीक है, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं. एग्जाम्पल है जो बर्ड होते हुए, चिड़िया होते हुए वो क्या देती है, बच्चे. पता है आपको, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बैट यानी चमगादड़. अब चमगादड़ बैट जो होती है, बैट मानी होती है चमगादड़. ठीक है, ये बर्ड है, ये अंडे देना चाहिए लेकिन ये अंडे नहीं देती. ये क्या देती है बेटा, बच्चों को जन्म देती है. ठीक है, इसके अंडे नहीं होते. अब हम ये देखेंगे रिप्रोडक्शन होता कैसे, अरे ध्यान से समझिएगा. एक होता है मेल, ठीक है, और एक होता है फीमेल. मेल में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स और फीमेल में होते हैं फीमेल गैमेट्स. इज इट क्लियर. अब मेल गैमेट्स में क्या बनते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स में होता है ओवा. ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है. फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं जायगॉट. क्लियर हो रहा है सबको, जायगॉट. और जायगॉट जो होता है फिर ये मैच्योर होता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. एम्ब्रियो आफ्टर मैच्योरिटी फिर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसा ही एक नया बच्चा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैमल्स होते हैं उसमें इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की. इंसेक्ट्स में कॉकरोच और ग्रास हॉपर, इसमें तीन स्टेजेस में कंप्लीट होता है. जैसे कि मैं इसको समझाती हूँ, जैसे कि एग. ठीक है, एग जो होता है, एग से बनता है लार्वा. लार्वा और जो लार्वा के बाद बनता है एडल्ट, और एडल्ट के बाद जो बनता है, जो कंप्लीट एडल्ट होता है वो बन जाता है. ठीक है, अब आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि कॉकरोच और जो ग्रास हॉपर होता है इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, निम्फ. दिस इज अ लाइफ साइकिल होती है, उसमें कितनी स्टेजेस हो गई, थ्री. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेजेस हो गई.
कितनी स्टेजेस में कंप्लीट हुआ? तीन स्टेजेस में। अब हम आते हैं बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है वो फोर स्टेजेस होती है उसमें, एग, ठीक है, उसके बाद लार्वा, इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद फिर प्यूपा, ऐसा होता है जो एग होता है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर एग डेवलप हुआ, अब उस पर एक लार्वा बना, कैटरपिलर लार्वा, ठीक है, ये लार्वा बिल्कुल कीड़े जैसा होता है, जैसे मटर में वो सुड़ी सी निकलती है ना, बिल्कुल वैसा होता है, ये लार्वा धीरे 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 छोटी 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 पत्तियों को खाने लग जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है और वो प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा के बाद फिर बन जाती है बटरफ्लाई, राइट। हम बात करेंगे फिश में, जो एक फिश होती है पानी में बहुत सारे अंडों को देती है, क्या करती है, बहुत सारे अंडों को देती है, तो जब जहां बहुत सारे अंडों को जब देती है तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन, क्या बोलते हैं, स्पॉन, इनसे लार्वा बनता है, बिल्कुल वैसी लार्वा से एडल्ट बनता है और एडल्ट से फ्राई बनता है, फ्राई जो क्या होती है, फ्राई जो होती है फिर एक कंप्लीट फिश में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी जो एग होता है, इस तरीके से एग होता है, जब आप मुर्गी के अंडे तो सभी ने देखे होंगे, मुर्गी अंडा जो होता है उसके चारों एक कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है ना व्हाइट से कलर की, ये क्या करती है, एग के जो अंदर का जो मैटर होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब अंदर का मैटर क्या होता है, जब आपने कभी मुर्गी के अंडे को तोड़ा होगा तो मुर्गी के अंडे के अंदर क्या होता है, योक होता है, येलो येलो कलर का, जब आप ऑमलेट बनाते हो तो योक निकलता है ना, पीला पीला जो पार्ट होता है, पीला पीला सा पार्ट होता है, वो योक होता है ना, क्या होता है, योक, उस योक को ही एम्ब्रियो कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब आपने तो मुर्गी का अंडा जो था उसको लिया और उसको तोड़ के ऑमलेट बना लिया, लेकिन अगर आप मुर्गी के अंडे को नहीं बनाते हो तो मुर्गी क्या करती है, उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है और उसको वार्म करती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन, इसको कहते हैं इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मतलब होता है कि जो अंडा होता है उसको वो सेकती है, एक परफेक्ट टेम्परेचर भी वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे 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 करके चिक में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन। और एक टर्म और है, हैचिंग का मतलब होता है कि कोई भी एग जब इसको तोड़ के जब बच्चा बाहर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैचिंग करना, ठीक है, उसको हम हैचिंग बोलते हैं। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं और उसकी वो देखभाल करते हैं जब तक कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। तो मैमल्स में तो ऐसे ही होता है, बर्ड्स जो होती है जब उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं, आपने देखा होगा वो एक एक दाना करके लाती है, अपने बच्चे को खिलाती है, और जब तक बच्चे शिकार करके अपना खाना सीख नहीं जाते तब तक चिड़िया उसको खाना देती है अपने बच्चे को। तो ये तो मैमल्स और बर्ड्स के बारे में मैंने बताया, लेकिन फिश है, फ्रॉग है, ये सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिश और जो फ्रॉग्स होते हैं, फिश में मैं ले लूँ और फ्रॉग में ले लूँ, इनका काम बस केवल अंडे दे देते हैं, हैचिंग के बाद फिर वो देखभाल नहीं करते। तो हमने ये कैरन की बात की। एक चीज़ और बता दूँ, कुछ पेरेंट्स जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरे पेरेंट्स के बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, समझ में आ रहा है, अनाथ आश्रम में जैसे बच्चों को लेते हैं ना, अडॉप्ट करते हैं, तो उस बच्चे को क्या कहते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं। और जो पेरेंट्स बच्चे को लेते हैं उन पेरेंट्स को हम बोलते हैं, एक टर्म आता है फॉस्टर, उन पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स, ओके। तो अब मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में आई थिंक सब कुछ समझा दिया है, और फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको बेटा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और लाइक ज़रूर करना।